अभी क्या है कि पूरा नहीं दिखाया जा रहा। अब यहाँ पर हम आकर देखे तो यहाँ पर दिखा कि इतनी बड़ी बड़ी कीले लगी हुई किला। अगर आदमी अगर गलती से अगर लाइट ना हो चला जाए तो उसके पैर में गड़ जाए, पैर में या गलती से भगदड़ में गिर जाए तो मर जाए, तो वो सारी चीज है। जो बार बार जंगली जहाज ऊपर चढ़ा रहा है, ये हमारा सारा जनता का पैसा है, ये जो दिखा रहा है, ये राफेल पैसा थोड़ी है, इसने कितना घपला, साढ़े रास्ते रोक रहा है। सही बात, तो ये सब जनता का यह तमाशा दिखा रहा है, ये बार बार चढ़ा के क्या साबित कर रोल है। ठीक है, तो पहले ये जानना है कि मतलब अभी तो 13-14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, तो मतलब कैसे, क्या सुबह का क्या रूटीन होता है आप लोगों का, और उसके बाद कैसे उठते हैं, क्या सोना, खाना पीना, ठंड भी है। साढ़े पास बापे लंगर भेज रहे हैं, जिमीदार भी भेज रहे हैं, पिंडा के लंगर आ जाता है। लंगर वादू है जी, लंगर साढ़े पास 6 महीने से जमा होया वा ट्रालियां में देख लो, 6 महीने का इंतजाम हो गया। हाँ जी हाँ, लंगर से ये भी है कि 14-15 दिन हो गया, पिछले बार भी कई दिन तक रहे थे, इतने लंबे समय 12.5 महीने रहे, इतना दिन घर से दूर रहना, खेती है बाड़ी है, खेती क्या दिक्कत आती, दिक्कत पहली सानू आई है भी जी MSP है, हाँ जी MSP की गारंटी अनाउंस कर देती है सरकार, लेकिन वो उस पर बिकता नहीं फसल, चावल के बिना बिकता नहीं, खाली कणक चावल बिकता है MSP पे, वो भी पंजाब हरियाणा में UP के थोड़े एरिए में, बाकी कहीं नहीं बिक रहा, बाकी तो आधे कीमत पर बिकता है। तो यहाँ मक्की का जो रेट होता है वो 2000 रुपये है, बिकता है 900 में 800 में 850 में, मतलब MSP पर नहीं बिकता। जो दालें हैं वो भी पैदा करते हैं, तेल बीज पैदा करते हैं, वो सब कम रेट पर ही बिकते हैं, जो MSP अनाउंस किया होता है, तो वो सरकार इसको ऐसे पकड़ ले, उसको लगा ले, अरे कोई बात नहीं, ये यहाँ लग जाएगा, हो गया। चलिए, जो सरकार आप खरीदती नहीं ना, अनाउंस तो कर देती है लोगों को बुचड़ाने के लिए कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, इतना रेट बढ़ा दिया है, रेट बढ़ेगा तब फायदा है ना, अगर ये मिले किसान को मिले, मिलता है नहीं, तो उसी का MSP की गारंटी का कानून कहते हैं लाने के लिए। एक और स्वामीनाथन जी की भी, हाँ, एक MS स्वामीनाथन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, हाँ, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, ये एग्रीकल्चर का बहुत तजर्बा था उनको, बहुत तरक्की की उनके रहनुमाई में एक खेती बाड़ी में, उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की, इन्हें कमीशन बैठाया था उनकी चेयरमैनशिप के नीचे, तो रिपोर्ट दे दी, लेकिन आज तक वो लागू नहीं की, पहले कांग्रेस ने लागू नहीं की, ये BJP जब आना चाहती थी 2014 में तो कहते थे हम आएंगे, हम वो लागू करेंगे, स्वामीनाथन की फुल रिपोर्ट इन भिन लागू करेंगे, कुछ भी नहीं किया, कहते अब ये लागू करेंगे तो नुकसान होगा, फिर कम रेट कम मिलने के कारण फसलों का रेट आप भी जानते हैं बिहार में कैसे मिल रहा है, बहुत कम मिलता है, MSP लागू नहीं है ना, कम मिलने के कारण किसान पर कर्जा बढ़ रहा है, फसल खराब हो जाती है, हाँ ये फसल खराब हो जाती है, उसका कुछ नहीं मिलता, मुआवजा मिलना चाहिए, यहाँ 4-5 फसलों में सिर्फ एक दो फसल ठीक हुई है, इस साल के पिछले साल जो ये चावल धान का खेती था ना, उसमें ऐसा एक वायरस आ गया कि वो निसरा ही नहीं, दाना ही नहीं लगा उसको, अच्छा 100% तक कहीं 70-80% नुकसान हुआ, सब गर्दावरी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसका 10 रुपये किसी को नहीं मिला, इस बार ये क्या उड़ता है, ये डराने के लिए, हमको डराने के लिए आते हैं, डराने के लिए, अच्छा डराने के लिए आने के लिए, ये जो राफेल जो उड़ रहा है ना, ये कह रहे हैं इनको डराने के लिए आते हैं, ऐसा क्यों, आप तो अपने ही देश के, सब तो अपने ही देश, हमको मानते नहीं हो देश के, क्यों नहीं मानते, मानते नहीं तो पिछले बार भी बात देखो बन गई थी, जाके आप देखो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये कुछ नहीं है जो यहाँ है, फिर मानते हैं क्या, उससे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, गोलियां मार के मार रहे हैं, हाँ गोलियां मार के बंदे मरे भी ना मरे हो फिर भी है, ये जो डराने के लिए, हाँ डराने के लिए, ये भी आ जाएगा अगर जित आप नहीं गए यहाँ से, ये ऐसी सब बातें हो रही है,
अपने हाँ अपने लोगों को दुश्मन समझते हैं, बगाने समझते हैं, अपना हक मांगने के लिए जाते हैं। तो दिल्ली नहीं, किसान दिल्ली नहीं जा सकता है, हमारी राजधानी नहीं है, वो कैपिटल है हमारा भी, हम नहीं जा सकते, वहाँ बैठ नहीं सकते। बाकी लोग जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे मनवाते हैं, हम नहीं जा सकते वहाँ। पिछले साल वहाँ जाके रोक लिया सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, अब यहीं रोक दिया। ऐसे ऐसे बैरिकेडिंग कर दिया कि जो दुश्मन देश के साथ भी नहीं होता इतना। तो आप लोग भी अब मतलब यहीं बैठेंगे? हाँ बैठे जाएंगे, बढ़ रहा है जो हमारा। रात में क्या रहता है आप लोग यहाँ पर रहते हैं? वो तो चलिए वो आपकी बातें हो गई। हाँ, एक, एक, एक जो ट्रेलियां हैं हाँ, इनमें पूरा सुविधा बनाया हुआ है, पूरा सुविधा है, सोने पढ़ने सब चीज का, और बातचीत वगैरह भी होती रहती है। हाँ हाँ सब कुछ होता है, बैठे कुछ ताश तूस भी खेल लेते हैं, बेला टाइम होता है। स्टेज बना हुआ है वहाँ पर, हमारे लीडर हैं जो, वो हमको सब बताते हैं इसके बारे में, लेक्चर करते हैं। और खाना वगैरह सब लंगर से ही आता है? हाँ वो आता है।